हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। यह ब्लॉग का सीरीज में का नोवा ब्लॉग। तो आज है सैटरडे और आज क्लास तो ऐसे ही ऑफिशियल भी ऑफ रहता है और ईद की वजह से भी ऑफ है। तो आज का मतलब 3 4 दिन इधर ब्लॉग में कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग उतना नहीं जा रहा है, मतलब आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है। तो आप इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और इस ब्लॉग में आगे क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या सस्पेंस है, वो सस्पेंस ही रहने दीजिए। आगे आप लोग जाइएगा तो देखिएगा। अभी समय हो रहा है 8 और अभी हम सो के जगे हैं क्योंकि आज रात भर पूरा जागरण हुआ है। मतलब मुश्किल से 1 1.5 घंटा सोए होंगे रात भर में। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और उसके बाद चलेंगे ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये रवि जी हैं। रवि जी का थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा है आजकल, तो ये दवा खा रहे हैं, बासी बासी पेट। बासी पेट का मतलब बिना कुछ खाए हुए दवा खा रहे हैं, काफ़ी तकलीफ में है। इनके लिए थोड़ा सा दुआ कीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए, क्या कि इनके बिना तो ब्लॉग अधूरा ही रहता है। थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए, बस बस यही स्माइल करते रहिए, मेरी दुआ है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं रेडी होकर। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन, तो आज फिर से पूजा करके अपने दिन को अच्छा बनाते हैं। तो चंदन कर लिए हैं और चिरागी तो पहले ही पूजा कर ली है, पूरा 9 दिन का व्रत करके पूरा फाड़ दिए हैं। जरा हमारे नास्तिक भाई साहब को दिखाया जाए। उसको छोड़ो, जबरदस्ती नहीं किया जाता है, उसका भावना नहीं है पूजा करने वाला। चिराग से बड़ा आस्तिक हम है, पता होना चाहिए चिराग। हाँ बोल जा, छुतु रहे हो। तुमसे बड़ा आस्तिक हम है, मतलब ये कोई मीठा नहीं खाना है कुछ दिन तक। मीठा मीठा नहीं खाना आस्तिक है क्या? कुछ भी छुतुर पन चिराग जी, 9 दिन तक का पूरा फास्टिंग है, हम लोग फर्स्ट और लास्ट। उसके लिए नियम का पालन करता है। कैसा फीलिंग हो रहा है आपको? 5 दिन आपका हो गया, बहुत अच्छा हो रहा है फीलिंग। मांस मछली खा कर दिन, मतलब कि 4 5 दिन। ए भाई दूल्हा नहीं पूजा, तू नहीं खा कर देखो दुनिया भर तक। पता है इसके घर में भी कोई नहीं करता पूजा ही, बोला पता है इसके घर में साला सब नास्तिक है, कोई कहता कोई अगरबत्ती नहीं जलाता है। हम बता रहा था जलाता मांस मछली कोई नहीं खाता है, तो इससे बड़ी बात क्या बताएं। तुम नहीं खा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तुम लोग हम लोग जय गुरुदेव साथ नहीं होता है सब पूजा वूजा नहीं करता। ये सब पता है कि इंसान एक मतलब रहता है, उसी को मतलब भगवान भगवान की सब कुछ मानता है। जैसे ना पता कर लियो, तुम है पुजारी, तुम है, लेकिन तुम हवस को पुजारी है। इसको दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, ये 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 कन्वर्ट मत डाल रही सब। ये देखिए 8:30-9 बजे का धूप, ये कड़कड़ाहट, इसमें जाना पड़ रहा है अभी ब्रेकफास्ट करने। तो दिन में खाना खाने ये लड़का कैसे आ जाए, आएगा काला हो जाएगा खाना खाने आएगा दिन में तो। तो फिर से मेनू चेंज, जो मंडे को मिलता है वो सैटरडे को मिला, क्योंकि आज सैटरडे वाला कल मिला था। और ये सूरज जो कम से कम इसको 10 पराठा चाहिए, 2 पराठा से कोई नहीं कुछ नहीं होता है। तो क्या यहाँ पे मजबूरी है, 2 ही को मिल सकता है, उतना ही से सब्र कीजिए और खाइए। और ये लोग तो भला इन लोग का कोई बातें नहीं है, पूरा राक्षस है खाने में। पता ना यूपी में हर एक चीज़ फीका ही क्यों लगता है, तो इसलिए नमक के साथ आलू पराठा खाना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो का जो सस्पेंस था वो मेरे लिए भी सस्पेंस है, क्योंकि हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम कभी हेल्थ कॉन्शियस पर बात करेंगे। ये हमारे मित्र जो है इनका तबीयत खराब हो चुका है और ये डॉक्टर के पास गए थे तो इनको सब चीज बंद कर दिया गया है, मतलब खाने पर पाबंदी लगा दिया गया है। फास्ट फूड जो हम लोग का आधार है जीने का, वो इनको बिल्कुल मना हो चुका है। और हम तो बिल्कुल फूडी आदमी है, बिना फास्ट फूड के मतलब हमसे एक दिन भी नहीं रहा जाएगा। दिन भर में कोई ना कोई मतलब फास्ट फूड चाहिए, कुरकुरा चिप्स या कोई भी तला हुआ चीज चाहिए। तो हमने भी सोचा है कि अगर कोई भी आपको डिजीज हो या कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं जब भी हम, या कोई भी जाता है तो उसको मना कर दिया जाता है कि आप फास्ट फूड बंद कर दीजिए, आपका हेल्थ ऐसे ही 50% सही हो जाएगा। तो सोचे हैं कि क्यों ना हम ट्राई कर ले, ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे खुद नहीं कंट्रोल होगा, लेकिन इस बार पूरा कोशिश करेंगे कम से कम 3 महीना तक
फास्ट फूड पर कंट्रोल किया जाए, मतलब पूर्ण तरीका से नहीं लेकिन भरसक प्रयास करेंगे कि हम नहीं जाए मार्केट स्पेशली फूड खाने के लिए, फास्ट फूड खाने के लिए। और ट्राई करेंगे कि आप लोग भी मतलब मत खाइए, क्योंकि अगर देखा जाए तो फास्ट फूड के अगर आधा हाफ ही अगर खर्चा कर दिया जाए तो उसमें फ्रूट और हेल्दी हेल्दी चीज आ जाता है। और उसका मतलब कैलकुलेशन कीजिए फास्ट फूड मतलब जितना खर्चा होता है, फास्ट फूड आप खाने जाइए तो एक दिन में नहीं, एक जगह आप कहीं बैठिए तो मिनिमम 100 रुपया खर्च हो जाता है। और 100 रुपये में अगर आप फल कोई लाते हैं तो कम से कम 2-3 दिन आराम से जाएगा। तो यही सब सोचते हुए कि यहाँ पैसा ही बच जाएगा और शरीर हेल्थ सब सही हो जाएगा, तो इसलिए हम सोचे हैं कि 3 महीना तक कम से कम देखते हैं परहेज करके कि क्या होता है, क्या बदलाव आता है। क्योंकि फेस तो मतलब डार्क है ये है और उससे ज़्यादा डार्कनेस यहाँ आई के नीचे आ गया है, डार्क सर्कल जिसको बोलते हैं वो आ गया है। तो हमने काफ़ी इसका इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो सभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप फास्ट फूड और तला हुआ चीज़ ज़्यादा खाते हैं, तो ये बात सब है कि हम उसके लिए रह भी नहीं सकते हैं। कभी सोचे भी नहीं थे कि हम ये सब छोड़ेंगे, लेकिन ट्राई पूरा करेंगे छोड़ने के लिए, स्पेशली खाने के लिए नहीं जाएंगे। अगर चले गए कभी तो कभी कभार खा लेंगे, लेकिन जो रेगुलर मेरा रूटीन था फास्ट फूड के बिना नहीं रहना, उसको परहेज करेंगे। और कोल्ड ड्रिंक्स जो सभी लोग बोलते हैं पॉइजन, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं कि अमृत अमृत है, तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल किया जाएगा कि हम कम से कम पिए, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा कंट्रोल बिना पिए हुए, लेकिन कम से कम पिया जाए 2-3 दिन तो पिया जाए। और यही सस्पेंस था मेरे लिए, तो बहुत बड़ा सस्पेंस था कि हमने ये बात कर दिया वो भी ऑनलाइन आकर, क्योंकि हमसे तो ये नहीं हो सकता था। कभी सोचे नहीं थे कि हम मतलब कभी फास्ट फूड कंट्रोल कर पाएंगे, एक बार कंट्रोल करके देखते हैं क्या होता है। और आप लोग भी कंट्रोल कीजिए और आप लोग भी हेल्दी हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि जब मेरा हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे, ना सही से पढ़ाई हो पाएगा, ना सही से अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो ना कोई काम हो पाएगा। तो इसलिए अपने अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप बोलिए आपको कैसा लग रहा है सब चीज छोड़कर? अरे छोड़ के सही लग रहा है, पर आप लोग को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितना फास्ट फूड छोड़ दे तो उतना सही है, जंक फूड ये सब छोड़ दो तो सही है, सही रहना चाहते हो तो। देखिए इनका चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, ये मांस फास्ट फूड नहीं खाते हैं, तो इनके जैसा ही हम लोग अपने चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं। तो ट्राई करके देखते हैं एक बार, 3 महीना के लिए शपथ ले लिए हैं तो अब इसको पूरा भी करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम बोल देते हैं हम जरूर करते हैं। तो शपथ ले लिए हैं कि 3 महीना तक पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, 100% में 100% कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे, नहीं होगा तो कभी कभी चीट करेंगे लेकिन उतना नहीं जितना चाहिए। थैंक यू। ये मत सोचिएगा कि हम लोग ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये नहीं बात है। मेरे रवि जी को मना कर दिया कि देखिए साफ साफ ये स्किन प्रॉब्लम, फास्ट फूड से ही ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होता है, तो जिसकी वजह से इनको मिल चुका है सजा, ये संभल गए हैं। व्हाट यू सी अबाउट योर सेल्फ बेबी टेल, अरे क्या बोलूं। इसको आप लोग कितना दिन से मना कर रहे थे कि चिकन छोड़ दो, वाइट मतलब चिकन छोड़ दो, कोई भी चिकन छोड़, लेकिन छोड़ नहीं रहा था। इसकी वजह से डायरेक्ट गया और इसको डॉक्टर ने मना कर दिया। इसका शक्ल देख सकते हैं 12 बज गया है, डिप्रेशन में जा चुका है ये, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, 1 महीने के बाद तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा और चेहरा पर ब्राइटनेस आ जाएगा। तो यही था सस्पेंस मेरे लिए भी और आप लोग के भी लिए भी, कि हम कभी ये बात बोलने वाले नहीं थे लेकिन बोल दिए, तो आप लोग भी अपना ख्याल कीजिए। तो ढेर सारी ज्ञान की बात करने के बाद आ जाते हैं मेस में लंच करने के लिए। तो आज लंच में था दही सलाद और जीरा आलू का फ्राई, और ये था केवल जो नवरात्रि फास्टिंग पर है उसके लिए, और ये नहीं है उसके लिए था वेज बिरयानी और सलाद रायता। तो उसके बाद शाम को कुछ इस प्रकार से करते हैं हम टी ब्रेक, और टी ब्रेक करने के बाद शाम में आ जाते हैं पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद फिर चल जाते हैं डिनर करने के लिए। तो आज डिनर में था साबूदाना, और जो नॉर्मल बच्चों के लिए फास्टिंग नहीं है उनके लिए दाल चावल और कटहल का सब्जी। और उसके बाद आके बैठ जाते हैं असाइनमेंट बनाने, और असाइनमेंट बनाने के बाद आज की इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।